हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे एमसीएक्स ग्रोथ जिंक, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं आज थोड़ा गैप डाउन में ओपन हुआ है। तो अगर आप एंट्री करना चाहता है तो मार्केट कहाँ पर एंट्री करेंगे, तो इसलिए मैंने प्रीवियस हायर पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया, हॉराइजेंटल सॉरी एक रेंज निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने ये प्रीवियस हायर पॉइंट और ये प्रीवियस हायर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये लोअर सपोर्ट पॉइंट। तो मुझे लगता है मार्केट ये थोड़ा देर ये रेंज में ही रुकेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको बाय लेना है तो इसका ऊपर बाय लेना है। अगर इसको ये जो रेंज है, ये रेंज दिया हुआ है, इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है ऊपर जाने का चांसेस है। तो आपको सेल लेना है तो इसका नीचे, जैसे आप मार्केट देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे आके यहाँ नीचे भी आ सकता है। तो अगर आपको सेल लेना है तो आप इसका नीचे ही सेल लेना चाहिए, जैसे 3810, तो इसमें उसका नीचे ही सेल लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो मार्केट थोड़ा नीचे आएंगे, ये ब्रेकआउट करके ये जो सपोर्टिंग लाइन है यहाँ से फिर से ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। नहीं तो अगर आपने अगर बाय किया तो यहाँ पे आपने आपने बाय कर दिया तो मार्केट क्या होगा, तो फिर से नीचे आने का चांसेस है ये रेंज से। तो जितना हो सके आपको बाय लेना है तो इसका ऊपर में ही बाय लेना चाहिए, और नीचे है तो ये आप जो सपोर्टिंग लाइन मिला हुआ है तो सपोर्टिंग लाइन का नीचे में सेल लेना चाहिए। और हम अगर जिंक को देखें तो आप देख सकते हैं जिंक एक रेंज में चल रहा है अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिंक एक रेंज में चल रहा है, तो आपको अगर सेल लेना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन था, सपोर्ट था यहाँ पे सपोर्ट, और यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो अगर सेल लेना है तो इसका नीचे जो आज लोअर पॉइंट बनाया, तो अब लोअर पॉइंट का नीचे में ही सेल करना चाहिए, और टारगेट रहेगा आपका 182 का आसपास। और यहाँ से आप 200 मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं, यहाँ से बाउंस हो सकता है तो 200 मूविंग एवरेज का आसपास आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बाय लेना है तो बाय आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसीमो को लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसीमो को येलो लाइन, तो अराउंड आपका रहेगा 185 का ऊपर में आप बाय जा सकता है। और यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तरफ से यह एक मार्केट फॉर्म हो रहा है। चलिए, ये हेड एंड शोल्डर नहीं, डबल टॉप हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये डबल टॉप हो रहा है, डबल टॉप, और ये साइड तो एक कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है उसका फॉर्म हो रहा है। तो एक्चुअली ये जब होता है मार्केट, यहाँ से मार्केट ये जो हमें एक नेक लाइन मिला हुआ है जहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन डाल के रखा हुआ है, सॉरी सपोर्टिंग लाइन, तो इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट नीचे आने का चांसेस है। इसका नीचे आप 200 का आसपास मार्केट से निकल सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।